India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले पर सुनवाई के दौरान वादी के वकील ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का है उल्लंघन, हिजाब पहनने वालों के साथ ना हो भेदभाव। पाकिस्तान में 14 साल जेल में गुजारने वाले भारतीय जासूस को 30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को 10 लाख रुपए देने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साई ट्रस्ट प्रतिबंध समिति को किया रद्द, कहा ट्रस्टियों में राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले हैं सदस्य, 8 सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियां करने का आदेश, मेधावी न्यायसियों की नियुक्ति के लिए अधिनियम में संशोधन का निर्देश। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में की केवीएट पिटीशन दाखिल, कहा कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को ही सुनकर ना आदेश पारित करे, अब मुस्लिम पक्ष को राहत देने से पहले किया जाएगा हिंदू पक्ष को सूचित। India Legal presents Courts Roundup. कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और वकीलों के पक्ष में सुने। हिजाब के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले वकील आदित्य सौंधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिजाब पहनने वालों के साथ धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर सचर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया। स्कूली छात्रा आलिया के वकील राजीव धवन ने कहा, हिजाब जो एक जानी मानी मुस्लिम धर्म की परंपरा है, उसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के आधार पर रद्द कर दिया। हिजाब पहनने वाले व्यक्ति के साथ धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हिजाब पहनने पर उठे विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच उस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील आदित्य सौंधी ने दलील दी और जस्टिस सचर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि हिजाब बुरका आदि पहनने की अपनी प्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का सामना कर रही थी। सौंधी ने नाइजीरिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लागोस के पब्लिक स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, सरकार के आदेश को आखिरकार स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के सरकार के आदेश को न केवल धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बल्कि अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है, जो भेदभाव है। छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने का मतलब ये भी है कि उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। स्कूली छात्र आलिया की तरफ से वकील राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यहाँ मसला ड्रेस कोड के जरिए स्कूल में अनुशासन का नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि ये विवाद डेवलपमेंट कमेटी की वजह से बढ़ा, छात्रों के साथ मारपीट की गई और उनके साथ भेदभाव किया गया, प्रिंसिपल ने भी उनके गार्जियन से मिलने से इनकार कर दिया। धवन ने कहा कि ये भी देखना होगा कि ये प्रथा दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है। कोर्ट ने राजीव धवन से पूछा कि क्या हिजाब इस्लाम में जरूरी प्रथा है। राजीव धवन ने कहा कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है, ये इस्लाम में एक उचित और स्वीकार्य परंपरा है। धवन ने कहा कि दुनिया भर में हिजाब को वैध माना जाता है। धवन ने कहा कि अगर आप ड्रेस की बात कर रहे हैं तो इसके दायरे में बुर्का नहीं आता, लेकिन इसके आधार पर हिजाब को भी नहीं जा सकता। हिजाब पहनने वाले व्यक्ति के साथ धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पोशाक का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, हिजाब पहनना एक और अधिकार है। धवन ने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि कैसे देश के बहुसंख्यक समुदाय के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत सी चीजों को लेकर असंतोष है।
इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि मसले पर केंद्रित रहकर ही अपनी बात रखें। याचिकाकर्ताओं की ओर से हुजैफा अहमदी ने अपनी दलील में कहा, वैध राज्य हित क्या है? वैध राज्य हित शिक्षा को प्रोत्साहित करने में है, खासकर नाबालिगों के बीच शिक्षा को प्रसारित करना चाहिए। राज्य का हित ऐसी नीति में नहीं है जिसमें बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़े। पीठ के समक्ष 23 याचिकाओं का एक बैच सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से कुछ रिट याचिकाएं हैं जिनमें मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पहनने का अधिकार की मांग की गई है। कुछ अन्य विशेष अनुमति याचिकाएं हैं जो कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देती हैं। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने माना था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। पीठ ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थाओं में एक समान ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं पाकिस्तान में रहकर दो सीक्रेट मिशन पूरा करने वाले एक जासूस को इंसाफ के लिए अपने ही देश में 30 साल तक इंतजार करना पड़ा। अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने सरकार से 10 लाख के मुआवजा देने के लिए कहा है। स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने डाक विभाग के एक कर्मचारी को सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा था। यहां से पकड़ लिया गया और 14 साल जेल में गुजारने पड़े। जब वो वापस लौट कर आया तो सरकार ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया। कोटा में रह रहे महमूद अंसारी डाक विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने 1966 में नौकरी ज्वाइन की थी। उनका दावा है कि उन्हें जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। उन्हें 12 दिसंबर 1976 को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और 1978 में पाकिस्तान में उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद भारत में उनकी नौकरी चली गई। 1980 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 1989 में सजा पूरी होने के बाद वो रिहा कर दिए गए और अपने देश वापस लौटे तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने की सूचना मिली। इसे लेकर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। महमूद अंसारी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में रहकर दो सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया था। वो तीसरे मिशन को भी पूरा करने वाले थे लेकिन वो पकड़े गए। भारत आने के 30 साल बाद और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सीजीआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह पूर्व जासूस को 10 लाख रुपए का भुगतान करे। कोर्ट ने पहले तो सरकार को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के लिए कहा था। बाद में जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुकवली की उम्र 75 साल हो गई है और आय का कोई स्रोत भी नहीं बचा है तो राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। इधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास किसी राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का कानूनी अधिकार नहीं है अगर कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच में लिप्त होते हैं। हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में दायर जवाबी हलफनामे में आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ के मामले में भारत के विधि आयोग को यह प्रश्न भेजा था कि क्या यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच का अपराध करते हैं तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या उसे उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने वाले की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इस संदर्भ में हेट स्पीच मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हेट स्पीच को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है और हेट स्पीच के लिए मौजूदा कानून भी समुचित नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में समुचित आदेश देना चाहिए क्योंकि विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में इसके लिए सुझाव भी दिया है कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनावों के दौरान हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए वो आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धाराओं के तहत राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों को सौहार्द बिगाड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई करता है जबकि हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए कोई निर्धारित कानून ही नहीं है।
इधर बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब सौरभ गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसके अलावा जय शाह का भी अगले 3 साल तक बीसीसीआई सचिव बने रहना लगभग तय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। वहीं सौरभ गांगुली के अलावा बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव के पद पर अगले 3 साल तक काबिज रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और बीसीसीआई सचिव जय शाह को भी बड़ी राहत मिली है। जय शाह भी अपने पद पर अगले 3 सालों तक बने रह सकते हैं। बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने दलील दी। वर्तमान संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है। अगर मैं एक कार्यकाल के लिए राज्य क्रिकेट संघ और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई का पदाधिकारी हूं, तो मुझे कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होगा। दोनों निकाय अलग हैं, उनके नियम भी अलग हैं और जमीनी स्तर पर नेतृत्व कराने के लिए पदाधिकारी के लिए लगातार 2 कार्यकाल बहुत कम हैं। पत्रकार रजत शर्मा और उनके समाचार चैनल इंडिया टीवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि उन्होंने शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाला साहब ठाकरे के साथ शो आपकी अदालत के 193 के एपिसोड को सभी प्लेटफार्मों से हटा दिया है। रजत शर्मा और चैनल ने जस्टिस ज्योति सिंह को भी आश्वासन दिया कि वो भविष्य में भी इस एपिसोड का प्रसारण नहीं करेंगे। ये आश्वासन जी मीडिया, जी न्यूज और जी हिंदुस्तान जैसे समाचार चैनलों के मालिक के रूप में आया। कॉपीराइट उल्लंघन के लिए शर्मा और इंडिया टीवी पर मुकदमा दायर किया। अपने मुकदमे में जी ने तर्क दिया कि 25 जून और 26 जून को महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान इंडिया टीवी ने ठाकरे के साथ 1993 में आपकी अदालत का एक एपिसोड प्रसारित किया, जो मूल रूप से जी टीवी द्वारा निर्मित प्रसारित किया गया था। जी ने अपना मुकदमा ट्रस्ट लीगल की पार्टनर ऋत्विका नंदा और सहयोगी पार्टनर रूपाली गुप्ता के जरिए दायर किया है। उनका नेतृत्व जॉयस बासु कर रहे हैं। शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि प्रकरण को हटा लिया गया है और उनका इसका इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। सेठी ने कहा कि शर्मा जी के कर्मचारी थे जब एपिसोड का निर्माण किया गया था। जब उन्होंने अपना चैनल शुरू किया था तो एक सौदा किया गया था कि वो प्रारूप के साथ साथ आपकी अदालत नाम को अपने मंच पर बनाए रखने के हकदार होंगे। हालांकि जी ने तर्क दिया कि 1992 से 1997 के बीच निर्मित शो के 140 से अधिक एपिसोड के लिए कॉपीराइट का मालिक है, इसलिए इंडिया टीवी को जी टीवी पर प्रसारित एपिसोड के सभी प्लेटफार्मों पर प्रसारण और प्रकाशन से रोक दिया जाना चाहिए। अदालत ने अब सेठी को शो के सभी 140 एपिसोड के संबंध में इंडिया टीवी के खिलाफ जी की निषेधाज्ञा की मांग पर निर्देश प्राप्त करने का समय दिया है। मामले की सुनवाई अब अगले 20 सितंबर को होगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा है कि वो 6 हफ्ते में अपना सरकारी आवास खाली करें। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर Type 7 बंगला रियल अलॉट कराने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में अपनी ज्वेट सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बंगले को री अलॉट करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वो 15 जनवरी 2016 से इसी बंगले में रह रहे हैं। गौरतलब हो कि राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त होने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुरक्षा के खतरे को देखते हुए बंगले के दोबारा आवंटन की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वहीं केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए ये तर्क दिया कि बंगले में अन्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित करने के लिए आवश्यकता है, ऐसे में उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने नोट किया है कि आवंटन 5 साल के लिए किया गया था और वो अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अदालत को ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है जो जेड श्रेणी के संरक्षित व्यक्ति को सरकारी आवास के आवंटन को अनिवार्य या आवश्यक बनाती है। स्वामी ने सुरक्षा का हवाला दिया, वो अब भी जेड कैटेगरी
प्रोटेक्टी बने हुए हैं। हालांकि केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भले ही स्वामी के प्रति सुरक्षा धारणा को कम नहीं किया गया, लेकिन सरकार पर उन्हें सुरक्षा कवर के साथ साथ आवास प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है। एएसजी संजय जैन केंद्र की ओर से पेश हुए और कहा कि सरकार वरिष्ठ नेता को समय समय पर समीक्षा के अधीन सुरक्षा प्रदान करती रहेगी, लेकिन बंगले को फिर से आवंटित करना संभव नहीं होगा। जैन ने अदालत से कहा कि उनका दिल्ली में एक घर है जहां वो शिफ्ट हो सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियां वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ज्ञानव्यापी मामले में एक हिंदू उपासक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। महिला उपासक रेखा पाठक द्वारा कैविएट दाखिल किया गया है। कैविएट में कहा गया है कि अगर अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उससे पहले हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। हिंदू याचिकाकर्ता ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में पहली याचिकाकर्ता है। वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानव्यापी मसले पर जारी फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। दरअसल वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कहा कि देवी देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार के अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, जिसके विग्रह मस्जिद के बाहरी दीवार पर स्थित हैं। अब हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका दाखिल की है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे एक पक्षीय आदेश न जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि अगर मस्जिद समिति वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करती है तो हाईकोर्ट कैविएट दाखिल होने की स्थिति में बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए आदेश नहीं देगा। कैविएटर ने ये भी कहा है कि वह प्रभावित पक्ष है, इसीलिए उसे किसी भी सिविल याचिका के विरोध में उनकी भी सुनी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति और क्षति होगी। आज ज्ञानव्यापी के मसले पे हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी में जो जजमेंट आया है 7/11 पे, अगर उसके खिलाफ कोई भी अपील या रिवीजन दायर करता है तो उसमें कोई भी कार्रवाई ना की जाए बिना हमको सुने हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जो भी फाइलिंग करेगा उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करेगा। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने विशेष रूप से माना है कि हिंदू उपासक दावा करते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रदान की गई कट ऑफ तिथि है 15 अगस्त 1947 के बाद भी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की द्वारा पूजा की जा रही थी, इसीलिए इस मामले में इस अधिनियम की कोई प्रायोज्यता नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर 2022 तय की है। 24 अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने अपना आदेश 12 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में दायर याचिका में 5 महिलाओं ने हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। उनके विग्रह ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहरी दीवार पर स्थित हैं। प्रकरण में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मामले की पोषणीयता पर फैसला सुनाया और अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के लिए एक नई प्रबंधन समिति नियुक्त करते हुए तत्कालीन महाविकास अगाड़ी सरकार की 16 सितंबर 2021 की अधिसूचना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि न्यायसियों की ट्रस्टी की नियुक्ति सत्ताधारी सरकार के निजी हित और पार्टी कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टियों में राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्यों की अधिवक्ता है। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य को उस अधिनियम के अनुसार एक नई समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया जिसके तहत ट्रस्ट का गठन किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने
सरकार द्वारा नियुक्त साई की प्रबंधन समिति ट्रस्ट को रद्द कर दिया है। बेंच ने कहा कि धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंध के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति भक्तों के सार्वजनिक हित के लिए होती है, न कि सत्ताधारी सरकार के निजी हित के लिए। यानी कि सत्ताधारी पार्टी को ट्रस्ट में पार्टी के कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को निजी स्वार्थ के लिए सदस्य नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टियों में राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्य हैं। जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस एस जी मेहरे की खंडपीठ ने माना कि विधायक आशुतोष काले की अध्यक्षता वाली कमेटी को 2021 में पिछली महाविकास अघाड़ी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। वर्तमान कमेटी को भंग करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य को 8 सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। इसके अलावा निर्देश दिया गया कि ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश अहमदनगर, कलेक्टर अहमदनगर और संस्थान के सीईओ की अंतरिम एडहॉक कमेटी शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र और मेधावी न्यायियों की सिफारिश सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी। जस्टिस आर डी धानुका और एस जी मेहरे की पीठ ने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट में ट्रस्टियों के पद राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले या राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्यों से भरे हुए थे। ये न्यायालय ने जोर दिया कि कानून के सिद्धांतों के खिलाफ था और पहले स्थान पर ट्रस्ट बनाने के इरादे को पूरा करने में विफल रहा। बेंच ने कहा ऐसे लोक न्याय में न्यायियों की नियुक्ति को श्री साईं बाबा के बड़े भक्तों की भलाई के लिए और उनके हित के लिए उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए जनहित की कसौटी पर खरा उतरना है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करने के लिए सत्ताधारी सरकार का निजी हित नहीं है। ये टिप्पणियां श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की वर्तमान प्रबंधन समिति में सदस्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले का हिस्सा था। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा स्वीकृत योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा इस तरह का ट्रस्ट बनाने का पूरा उद्देश्य और मंशा सत्ता में पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए विफल रही। यह निर्णय जनहित याचिकाओं के एक समूह में आया जिसमें राज्य सरकार द्वारा समिति में न्यासी के रूप में 12 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश दिया था कि उसके नाबालिग बेटे पर मुंबई पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने ठाणे सेंट्रल जेल में हिरासत में लिए गए अपने बेटे को रिहा करने या पेश करने की मांग करते हुए पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आदेश पारित किया। किशोर के पिता द्वारा दायर याचिका से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद उच्च न्यायालय ने पाया कि न्यायिक याचिकाकर्ता की दलील में दम था और लड़का वास्तव में किशोर था। कोर्ट ने यह भी कहा कि किशोर न्याय बोर्ड या जेजेबी किशोर न्याय जिसमें बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 94 का पालन करने में विफल रहा, यह बताता है कि बोर्ड दस्तावेजों के उत्पादन के बाद नाबालिग की उम्र निर्धारित कर सकता है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा डिडोंशी पुलिस निरीक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि किशोर को अगस्त 2021 को हिरासत में लिया गया था जब वो भारतीय दंड संहिता शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए 16 वर्ष का था। उसे शुरू में जेजेबी के सामने पेश किया गया था जहां उसे अपने बेटे की उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। इस दौरान उसे बाल निगरानी गृह में भेज दिया गया। उसके पिता ने मामले की जांच कर रहे डिंडोशी पुलिस निरीक्षक को किशोर की जन्मस्थिति दिखाने के लिए जन्मतिथि का मूल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जमा किया। इंस्पेक्टर ने 50,000 की मांग की जिसे पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान नहीं कर पाया। इसके बाद निरीक्षक ने किशोर की उम्र का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण के संचालन के लिए एक आवेदन दायर किया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।